नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। कल इस सरकार का आखिरी बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आए और कहा कि उन सांसदों के पास पश्चाताप का मौका है जो सदन में आदतन हुड़दंग करते हैं। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत भी राम राम कहकर की और संबोधन का अंत भी राम राम कहकर किया। उधर सदन में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की एक एक कामयाबियां गिनाई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति को देने के लिए यह एक चुनावी भाषण लिखा गया था जो सीधे तौर पर एक तरफा था। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति ने कई दशकों के काम और मोदी सरकार के काम में फर्क बताया, तो विपक्ष ने भी रोजगार और महंगाई समेत कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की अड़ी में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का यह बयान सुनना चाहिए। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया, अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए। फिर आप सभी को मेरा राम राम। तो प्रधानमंत्री ने राम राम से अपने इस संबोधन की शुरुआत की। राम राम पर उन्होंने अपने संबोधन का अंत किया। बीच में उन्होंने एक नसीहत दी और पीएम की नसीहत के बाद दिल्ली में सर्द मौसम के बावजूद राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई। सुनिए। ये 10 साल छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हुड़दंग करने वाली फिर कोई पार्टी नहीं बचेगी। हुड़दंग शब्द से मुझे घोर आपत्ति है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। प्रधानमंत्री जी, ये हुड़दंग नहीं होता। कि हुड़दंग करने वाले सांसदों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए और गालीबाज सांसदों के ऊपर प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी के जो गालीबाज सांसद हैं, उनको बजाय प्रमोशन देने के उन पर कोई कार्रवाई करे। जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है, उससे परिवर्तन स्वयं देखने को मिलता है। लोगों के जीवन में जिस तरह के सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, लोगों की जरूरतें पूरी हुई हैं, बहुत बड़े परिवर्तन देश में हुए हैं, जिससे देश के लोगों का विश्वास और भरोसा मोदी सरकार के प्रति बढ़ा है, देश के प्रति आकर्षण पूरी दुनिया में बढ़ा है। उस दृष्टि से वही सारी बातें माननीय राष्ट्रपति जी ने एक प्रमाणिक मंच पर प्रमाणिक तौर पर कही है। अब उस पर भी कोई अगर प्रश्न चिन्ह उठाता तो वो स्वाभाविक है, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो देखिए, आज की बहस क्या है? आज की बहस है 10 साल का हिसाब, बिगड़ी विपक्ष की किताब ? और आदतन हुड़दंग से बैकफुट पर विरोधी, दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह आदतन हुड़दंगियों का जिक्र किया और कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से 10 साल का हिसाब दिखा, इस दोनों पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें दिखा देते हैं। वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखे हैं, ये आप देख लीजिए। देखिए प्रधान, आज जब राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण शुरू किया, उसमें राम मंदिर का जिक्र आया, उसमें धारा 370 हटाने का जिक्र आया, विस्तारवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, ट्रिपल तलाक, महंगाई, बिग विजन, विकसित भारत, सामाजिक न्याय, रक्षा, कोविड-19, विदेशों में भारत का डंका, G20 का सफल सम्मेलन, इन तमाम चीजों का आज राष्ट्रपति ने इस बारे में जिक्र किया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो एक पैनल है, जल्दी से मैं उस पर आपको बताता हूं। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शाजी आलमी हैं बीजेपी से, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से, वारिस पठान हैं AIMIM से। आप सभी का स्वागत है और शुरुआत शाजी आलमी आपसे ही। शाजिया, ये क्या है, आप किसको आदतन हुड़दंगी कह रहे हैं?
क्या कहना चाहते हैं आप?